मोदी के 8 संबंध पर केजरीवाल ने बनाए 8 बहाने। हर बहाना अपने आप में है अनूठा। बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल लगातार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते आए हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कहा कि वह ईडी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, मगर अभी नहीं। उन्होंने जवाब देने के लिए ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ में शामिल होंगे। ईडी के 8 समन पर केजरीवाल ने क्या बहाने बनाए, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केजरीवाल को 8 समन और 8 बहाने। केजरीवाल को पहला समन ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा था और पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था। बहाना, मैं संदिग्ध हूँ या गवाह। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि आपने समन में मुझे नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूँ या गवाह। केजरीवाल को दूसरा समन। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन 18 दिसंबर 2023 को भेजा और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बहाना, समन गैर कानूनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के दूसरे समन पर अपना जवाब दिया। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं, लेकिन ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। केजरीवाल को तीसरा समन। सीएम केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन 22 दिसंबर को जारी किया और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की बजाय विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए। बहाना, राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन पर 3 जनवरी को जांच एजेंसी को लिखित जवाब भेजा। उन्होंने ईडी को अवगत कराया कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। वह एजेंसी की किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने को तैयार है। केजरीवाल को चौथा समन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा समन 13 जनवरी को जारी किया और 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बहाना, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल के चौथे समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा, ईडी ने कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर उन्हें बुलाया क्यों जा रहा है। भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाते हैं, उनके मामले बंद हो जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। केजरीवाल को पांचवा समन। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 31 जनवरी को पांचवा समन भेजा और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बहाना, राजनीतिक षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के पांचवें समन पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है और विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल को छठा समन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने छठा समन 14 फरवरी को भेजा था और 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। बहाना, समन गैर कानूनी। केजरीवाल ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल और आपने कहा समन गैर कानूनी, वैधता का मामला अब कोर्ट में है। केजरीवाल को ईडी का सातवां समन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का सातवां समन 22 फरवरी 2024 को दिया गया और उन्हें पूछताछ के लिए 26 फरवरी 2024 को बुलाया गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। बहाना, ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया कि रोज समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। केजरीवाल को ईडी का आठवां समन। ईडी ने केजरीवाल को 27 फरवरी 2024 को आठवां समन भेजा और पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया था। बहाना, इंडिया से गठबंधन तोड़ने के लिए दबाव बना रही बीजेपी। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकालने के लिए उस पर दबाव बनाना चाहती है। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में लोकसभा चुनाव के लिए उसके गठबंधन को तोड़ना चाहती है।